क्लास 11th एक्सरसाइज 9.3 एग्जांपल देखेंगे यार इसमें। अब ये कह रहे हैं फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। जल्दी से देखिए, पहला तो एग्जांपल सिंपल है, मतलब एग्जांपल 9 कह रहे हैं यार, एक जीपी है 525 125, इस तरीके से है। तो कह रहे हैं फाइंड द 10th टर्म, तो मतलब a10 फाइंड करना है। और फार्मूला क्या होता है, an का फार्मूला होता है arn-1। तो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म कितना है 5। आर क्या होता है, कॉमन रेशियो, 25 में 5 का डिवाइड करो 5, एन की जगह 10 माइनस 1, तो 5 की पावर 9, तो वही आ गया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। फिर क्या ना फाइंड द nth टर्म, अब nth टर्म में एन की जगह तो एन ही आएगा, तो ए आर एन माइनस वन होता है, तो ए की जगह 5 और आर की जगह 5n-1। अब सुनो, 5 की पावर 1 होगी इधर, बेस सेम है पावर ऐड, तो 5 की पावर n। क्लियर है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। एग्जांपल 10 देखते हैं। कह रहे हैं कि विच टर्म ऑफ द जीपी 2832 अप टू n टर्म इज 131072। अब यार देखो, कह रहे हैं ये एपी है कि विच टर्म, तो कौन सा टर्म। देखो फर्स्ट टर्म तो इसका 2 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 32 है, ऐसे बताओ कौन सा टर्म ये होगा, कौन सा टर्म। सम पूछा है कि विच टर्म अप टू एन टर्म, कौन सा टर्म ऐसा होगा। अब पता नहीं कौन सा टर्म होगा, तो लेट nth टर्म, तो ए एन बराबर ए आर एन माइनस वन। हमने मान लिया कि सबसे लास्ट में होगा रिसील, हमने ये जब हमको पता नहीं होता ना कि यार ये जीपी में किस टर्म पे होगा, तो लेट कर लेते कि सबसे एंड में होगा। सही बात है, तो ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, तो रखो ए एन की जगह 131072। ए कितना है 2 और आर कितना है 4, और एन तो हमको पता नहीं। अब 2 का इस तरफ क्या होगा, डिवाइड होगा, तो करो 2 का डिवाइड, 2 6 12, भैया डिवाइड में मेरा साथ देना, 2 5 10, 2 5 10, 2 3 6, 2 6। क्लियर है। अब देखो, वैसे तो यार मैं एक बात क्लियर कर दूं, अब ये जो आंसर है ये 4 की पावर समथिंग होगा, पक्की बात है, क्योंकि इस तरफ भी 4 की पावर n है, तो मैं देख के लिखता हूँ, आप लोग खुद अपना वो करना फैक्टर इसके, तो 4 की पावर 8 है ये, क्योंकि हमको वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करना, फैक्टर करें फिर आप चेक करो। तो 4 से 4 कंपेयर करके हटा दिया, तो n कितना आ गया, क्लियर है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। अब देखते हैं जरा आगे क्या कह रहे हैं, आगे वाला देखते हैं, इसमें जगह तो है नहीं, ट्राई करते हैं। 11th एग्जांपल कह रहे हैं कि इन एपी द थर्ड टर्म इज 24, ए थर्ड कितना है 24, और सिक्स टर्म कितना है 190, तो कह रहे हैं 10th टर्म फाइंड करो। बच्चों वाली बात हो गई, देखो जरा। अब ए थ्री को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए आर टू, ए कम हो जाता ना एन माइनस वन, तो ए आर टू कितना दिया है 24, ए आर फाइव कितना दिया है। अभी बात सुनो, अगर मैं इन दोनों का आपस में डिवाइड कर दूं, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, पक्की बात है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट है मान लो, ये इक्वेशन टू है, सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का डिवाइड कर दो, तो ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर फाइव इक्वल टू 24 अपॉन 192। ए से ए शहीद हो गया, ये 1 अपॉन आर 3 हो गया, क्योंकि आर की पावर 5 था, आर की पावर 2 था, ये नीचे आएगा तो 2 कम हो जाएगा, मतलब 3 बचा। अच्छा 24 का डिवाइड कितनी बार जाएगा इसके साथ, 8 बार, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो आर कितना आ गया 3 आ गया। अच्छा आर की वैल्यू पुट कर दो आर की जगह, हाँ ओ हो वेरी गुड, क्योंकि पावर है ना कंपेयर कर, आर की जगह 2 आ गया। यार ए आर स्क्वायर 24 था, तो ए आर स्क्वायर क्या था 24, तो आर की जगह कितना लिखेंगे 2 का स्क्वायर 24 4 6 कितना निकल के आ गया 6, ए भी आ गया और आर भी आ गया, तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर 9, तो ए की जगह 6 आर की जगह 2, ये आ गया इस तरीके से। क्लियर है, देखो अगर कोई भी जीपी बनानी है तो ए पता कर लो आर पता कर लो, एपी बनानी है तो ए पता कर लो डी पता कर लो, एपी बन जाएगी। क्लियर है, अभी तक तो सिंपल क्वेश्चन थे। एग्जांपल 12 देखते हैं, ये कह रहे हैं एक जीपी है ये, सही बात है, ऐड करना, ठीक है, इसको ऐड करिए अप टू एन टर्म तक, मतलब एन टर्म का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ए बताओ, रिसल ए क्या है और आर क्या है इसमें, इसका इससे डिवाइड होगा, तो 2 अपॉन 3 में 1 का डिवाइड होगा, 2 अपॉन 3 आएगा,
ठीक है, अब एस एन फाइंड करना है। अब यार बड़ी समस्या, एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये वाला होता है और एक होता है ये वाला। अब देखो हम कौन सा लगाएंगे, देखिए अब चेक करो, आर की वैल्यू वन से छोटी बड़ी है, छोटी है तो ये वाला लगाएंगे, बड़ी होती तो ये वाला लगा देते। चमका क्यों सर, क्यों ऐसा करते? देखो आर की वैल्यू वन से छोटी है तो वन माइनस आर आंसर पॉजिटिव आएगा। एक बात सोचो आपको समझाने के लिए, मान लो आर टू होता हमारा, हम आर की जगह यहाँ पे रखते टू तो आंसर नेगेटिव नहीं आता, ठीक है ना, वो सब चीज़ें हैं। तो क्या आता है यहाँ पे, वन माइनस आर टू अपॉन थ्री। चलिए तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ए की जगह वन, वन माइनस आर की जगह टू अपॉन थ्री की पावर एन अपॉन वन माइनस टू अपॉन थ्री। थोड़ी सी कैलकुलेशन है कर लेना। फिर कह रहे हैं एस फाइव फाइंड करो, ये तो एस एन आ गया ना। फिर कह रहे हैं S5 मतलब स्टार्टिंग के 5 टर्म का सम, तो n को किससे रिप्लेस कर देंगे, 5 से, तो 1 माइनस टू अपॉन थ्री की पावर 5, 1 माइनस टू अपॉन, कैलकुलेशन है, उम्मीद मत करना मैं करूँगा क्योंकि बच्चों वाली बात है, ठीक है जी। अच्छा एग्जाम्पल 13 देखते हैं, ये कह रहे हैं हाउ मैनी टर्म ऑफ द जीपी, 3 बाई टू और 3 अब आर नीडिड टू गिव दिस। अच्छा क्वेश्चन है, 3069 अपॉन 5 बंट। देखो कह रहे हैं कि जीपी के कितने टर्म्स का सम अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाए। अब पता नहीं कितने टर्म का सम, तो मैंने कहा एन टर्म्स को ऐड कर दो तो इतना आ जाएगा। तो मतलब ये क्या दिया गया, एस एन, एस एन बराबर होता है ए। अब चेक करेंगे कि आर क्या बंदे छोटा है बड़ा है, तो एस एन की जगह तो ये लिख देंगे। अब आर चेक, ए कितना है थ्री, अब आर चेक करो तो थ्री बाई टू का डिवाइड किसके साथ होगा, थ्री के साथ, तो ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाता है, तो थ्री अपॉन सिक्स, तो वन बाई टू छोटा है ना वन से, तो ये वाला लगा देंगे, तो आर की जगह वन बाई टू की पावर एन अपॉन वन माइनस, क्लियर है, तो ये शायद थ्री से कैंसिल हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, क्लियर है, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, वेरी गुड, आपको डिवाइड आता है इसका मतलब, तो इधर क्या होता है वन माइनस वन बाई टू की पावर एन अपॉन वन बाई टू। अब ये वन बाई टू ये ऊपर जाएगा, ये टू ऊपर ही तो जाएगा इसके पास, तो यहाँ से सब कुछ हटा के यहाँ पे क्या मैं टू लिख सकता हूँ, और इस टू का मल्टीपल इसके साथ हो जाएगा, तो 1023 अपॉन टू के साथ होगा 101024, 1 माइनस 1 बाई टू की पावर एन, ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये सब उस तरफ लेके जाओ, क्लियर है। अब यार एलसीएम लेना आपका काम है, 1 बाई टू की पावर एन तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन 1024, क्लियर है, तो 1024 2 की पावर 10 होता है, तो क्या इस पूरे को हम लिख सकते हैं 1 बाई टू की पावर 10, कितना आ गया, मतलब इस जीपी के स्टार्टिंग के 10 टर्म का सम कितना होगा, इतना होगा। कोई डाउट हो रहा है क्या, मैं जल्दी कर रहा हूँ क्या, बच्चों वाली चीज़ें यार ये, तो इसमें तो फास्ट चलेंगे, हाँ कोई लॉजिकल क्वेश्चन आएगा मैं खुद उसको प्यार से समझाऊंगा, ठीक है जी। चलिए छाप लो एग्जाम्पल 14 देखते हैं, देखें सारे बच्चे यार कि भाई द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द जीपी, स्टार्टिंग के थ्री टर्म्स का सम कितना है, 13 अपॉन 12, और प्रोडक्ट कितना है, माइनस वन, तो फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, मतलब हमको आर फाइंड करना है और एन फाइंड करना है, टर्म्स फाइंड करना है ना। चलिए अब कह रहे हैं कि एक जीपी के तीन टर्म्स का सम, अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक है, आप वैसे तीन टर्म ये भी ले सकते हैं, ए ए आर और ए आर स्क्वायर ले सकते हैं, इनका सम और इनका प्रोडक्ट, बड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। तो आपको कुछ ट्रिक्स से हम बता दें, अगर तीन टर्म्स बोले जाते हैं जीपी में तो उनको लो प्यार से ए आर, ए और ए आर, अगर ये तीन के लिए है, अगर चार बोले जाते हैं तो ए अपॉन आर क्यू, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यू, अगर पांच, वैसे आएगा नहीं फिर भी नॉलेज के लिए, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए ए आर, और देखो ये ऐसे टर्म्स हैं इनका कॉमन रेशियो बराबर होगा,
इसका डिवाइड इसके साथ करके देख लो, इसके साथ करके देख लो आर आएगा, इसका डिवाइड इसके साथ करके देखो, इसके साथ करके देखो, इसके साथ करके देखो आर स्क्वायर आएगा, करके देख ले हर बार, मतलब कॉमन रेशियो सेम आएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने ऐसे क्यों लिया, एक बात सुनो, वो कह रहे हैं उनका प्रोडक्ट क्या है माइनस वन, तो जब इनका प्रोडक्ट करोगे आर से आर कट नहीं जाएगा और ए कितनी आसानी से आ जाएगा, कितना सिंपल हो गया, ठीक है। आप ऐसे करोगे डियर आंसर तो भी आएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा, तो सिंपल चीज से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कह रहे हैं तीन टर्म्स का सम कितना दिया गया है, ए अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर, कितना दिया गया है 13/12, और प्रोडक्ट कितना दिया गया माइनस वन, तो आर से आर कैंसिल हो गया, ए क्यूब हो गया, ये माइनस वन को माइनस वन की पावर थ्री लिख सकते हैं, आंसर माइनस वन ही आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी सिंपल, मतलब कितना प्यार से ए की वैल्यू माइनस वन आ गई। तो बस अब ए की वैल्यू माइनस वन यहाँ पे रख दो, तो माइनस वन अपॉन आर माइनस का वन माइनस वन आर 13/12, ये माइनस का वन उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखो यार सुनो, यहाँ से अब बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों, क्योंकि यार यहाँ से आप लोगे एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा आर, तो माइनस का वन माइनस का आर इसका इसको ऐड कर लो, ये कितना आएगा 25.12, क्लियर है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 12 आर स्क्वायर 25 आर, ये सब उस तरफ जाएगा, तो 12 आर स्क्वायर प्लस का 25 आर प्लस का 12 इक्वल्स टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि यार ये तो फिर मैं सीधे आंसर देखूँ, आर के दो आंसर आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक आंसर आ रहा है -3/4 और एक आ रहा है -4/3। अब सुनिए आर के दो आंसर आ गए, अब आप कहें सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया, हो जाएगा पॉसिबल, चिंता मत करो बिल्कुल भी। अब ऐसा करेंगे हम लोग, यहाँ पे ए भी निकल के आ गया आर भी निकल के आ गया, लेकिन ए तो हमारा कितना है माइनस वन आया, तो एक बार ए लो माइनस वन और आर लो -3/4, और भैया यहाँ पे रख के देखो इनका सम यही आएगा, एक बार ए की जगह लो माइनस वन और आर की जगह लो -4/3, यही यहाँ पर रखो यही आएगा, रख के देख लो, रख के देख लो, क्लियर है। अगर मैं आपसे ये कहूँ सुनो कि तीन टर्म का सम आप कुछ ऐसा लॉजिक लाओ कि जीरो कर दो, तो एक तो ये भी हो सकते हैं माइनस वन जीरो और वन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और भी हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं कुछ भी, वन टू माइनस थ्री ये भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये होगा तो और हो नहीं सकते, ठीक है ना, कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप करके देख लो तो आर के दो दो आंसर आ सकते हैं, क्लियर है रिसेल, कोई डाउट है तो बताइए जरा, इसमें क्या दिमाग में हर चल रहा है कि सर ये डाउट है थोड़ा सा, पक्का ना। एग्जाम्पल 15 दो, अच्छा क्वेश्चन ऐसे बुक में भी हैं 9.3 में भी हैं, ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है यार, देखो वैसे आप लोग एग्जाम्पल में सॉल्यूशन देखकर समझ आ भी जाएगा, बट लॉजिक समझो ना ऐसा क्यों, क्या ये जीपी है, नहीं है, डिवाइड करके देखो ना, बहुत से बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि 7 का डिवाइड इसमें 11 आया, इसका इसमें करो तो 11 थोड़ी ना आएगा, जीपी नहीं है एपी भी नहीं है, चेक कर लो। अब यार हमने एपी और जीपी ही पढ़ी है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो क्या क्या करें, छोड़ दें इसको, नहीं छोड़ेंगे ना, अब कुछ लॉजिक लगाएंगे, अब कुछ ऐसा लॉजिक लगाएंगे यार कि इसको जीपी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो जब हमें कुछ भी समझ नहीं आता ना, तो हम सबसे पहले बेसिक चीज़ देखें कि इस हर किसी से 7 कॉमन आ रहा है, पहली बात तो 7 तो कॉमन आ रहा है, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, तो भाई 7 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1, सम फाइंड करना है ना, तो प्लस 11 प्लस 111, यस और नो, अप टू एंड टर्म। अब चेक करो क्या अब जीपी एपी कुछ बन रही है, यार अभी भी कुछ नहीं बन रही भाई, अभी भी कुछ नहीं बन रही है, तो अब लॉजिक लगाने की कोशिश कर, ये जो लॉजिक, अब देखो बन कुछ नहीं रहा, हम कुछ दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, क्या दिमाग लगाएंगे, हमने क्या किया 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहेंगे सर 9 नहीं क्यों, सबसे पहला क्वेश्चन सर 9 नहीं क्यों, 8 क्यों नहीं, अब एक सेकंड दो जरा, 9 अब टू एंड टर्म। तो एक बात सुनो, हमने मैथ्स में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उससे डिवाइड भी करते हैं, अदरवाइज तो मामला बिगड़ जाएगा, पक्की बात है भैया। अच्छा जी अब देखो यार कि अब हमने कुछ लॉजिक लगाया कि अब कुछ एपी जीपी कुछ बना, अब भी यार नहीं बनना, देखो ध्यान से देखो, ना जीपी बनना ना एपी बनना, कुछ नहीं बनना, ये
पक्का। अब देखिए एक चीज हमने लेकिन लॉजिक लगा क्या कर लिया, हम 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 1 क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 999 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 माइनस 1, ऐसे अप टू n टर्म्स। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर देखो इनके बीच में प्लस है, सभी के बीच में अगर ये हटा भी दें कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट 10 10 स्क्वायर 10 क्यू जीपी बन गई, 10 का डिवाइड 10 स्क्वायर में करोगे 10 आएगा, 10 स्क्वायर का डिवाइड 10 क्यूब में करोगे 10 आएगा, और माइनस वन माइनस वन माइनस वन एपी बन गई, या माइनस वन माइनस वन माइनस वन जीपी भी है क्योंकि देखो ना देखो ये वन 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 ये जीपी भी है एपी भी है, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम कैसे करेंगे, 7/9 10 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यू अप टू एन टर्म्स, इसको अलग लिख लिया, और माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टर्म्स, यस और नो? ये भैया जीपी बन गई, लॉजिक लगा लिया हमने, ठीक है अब बस सॉल्व कर दो। अब ये देखो जीपी में आर क्या है, 10, ये 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए आर की पावर एन मतलब 10 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, क्लियर है, ठीक है। माइनस 1 1 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, एन बार, तो एन आ जाएगा, आ गया आंसर भैया, बन गया हमारा लॉज, इसलिए हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते, सुनो हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करते तो आता 8 88 888 इस तरीके से, तो इसको अगर हम लिखते मान लो 10 माइनस 2, ठीक है जी, फिर इसको हम क्या लिखते हैं 10 स्क्वायर माइनस 12, अब 12 में 2 की पावर में कैसे लिखेंगे इसको, तो चलो हम यहाँ से 12 लिख दिया, चलिए ठीक है 12 लिख दिया, फिर अगला क्या आएगा 10 की पावर 3 माइनस 1 1 2, तो देखो ये तो जीपी बन गई, चलो ठीक है, फिर इसे कहते सॉल्व करो 2 12 1 1 2, ये तो एपी नहीं बन रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये लॉजिक लगाया था, तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, हर जो भी दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं पूछ सकते हो बेधड़क, क्लियर है, छाप लो इसको। चलिए एग्जांपल 16 देखते हैं, ये कह रहे हैं अ पर्सन हैज टू पेरेंट्स, और ये हर किसी पर्सन के दो ही पेरेंट्स होते हैं। अब टू पेरेंट्स का मतलब ऐसा मत समझना कि टू पेरेंट्स कम, बहुत से लोग इंग्लिश में कन्फ्यूज, टू पेरेंट्स का मतलब माता पिता ऐसा लगा होगा, अगर एक होता पेरेंट तो मतलब पिता या फिर माता, टू पेरेंट्स में माता पिता दोनों आते हैं, अगर किसी का वन पेरेंट ओनली ऐसा नहीं ओनली, तो समझो या तो वो माता जी की बात करे या पिताजी, क्लियर है। तो एक बच्चा ये रहा, इसके दो पेरेंट्स हो गए मतलब ये इसकी मम्मी हो गई इसके डैडी हो गए, मम्मी और डैडी, फिर सही बात है कि इनके भी दो दो होंगे, इनके भी दो दो होंगे भैया, तो इस बच्चे के चार ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, नाना नानी दादा दादी, ऐसे इनके होंगे, तो ऐसी सर्कल चल ऐसी सीक्वेंस चलता जा रहा है। तो कह रहे हैं कि बताओ 10 जनरेशन का उसको पता है कि हमारे इतने नाना, तो कितने टोटल लोग हो गए, टोटल लोग कितने हो गए बताए, एक बंदा है इसके दो पेरेंट्स हो गए, फिर उनके भी दो दो पेरेंट्स हो गए, तो इनके जो ये दो पेरेंट्स हैं ये इसके चार ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, सही बात है, ऐसे इनके ये साइकिल चल रही है। तो कह रहे हैं उसे 10, वो अब भैया मैथ्स कर रहा है, वो सोच रहा है यार 10 जनरेशन में मेरे पास कितने टोटल लोग थे, तो वो इसका सम फाइंड कर देंगे। तो पहले कितना है 2 है, फिर कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है, फिर ऐसे हमारा आगे 8 बढ़ता जाएगा, तो 10 तक मतलब एस 10 फाइंड करना कर दोगे, इसमें कुछ नहीं, मैं खुद नहीं सॉल्व करूँगा। एग्जाम्पल 17 देखते हैं, ये कह रहे हैं इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 एंड 256, 100 256 में, सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन एपी, 1 जीपी 1 और 256 में 3 नंबर इंसर्ट करने, मान लो 3 नंबर मैंने इंसर्ट कर दिए A1 A2 और A3, और इस तरीके से इंसर्ट करने कि अब जो ये पांचों टर्म जीपी के होने चाहिए, ठीक है। अब यार देखते हैं, अच्छा पहले तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1, अच्छा अब टोटल टर्म्स कितने हो गए 5, पक्की बात है ना, क्योंकि 3 इंसर्ट कर दिए 2 पहले से, तो क्या ए 5 को लास्ट टर्म बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, और वो कितना है, और ए 5 को लिखेंगे ए आर की पावर 4, तो 2 5, ए की वैल्यू तो 1 है, 1 को लिखो या फिर मत लिखो,
टू फाइव सिक्स, चार का इसका सोलह, सोलह चौक चौसठ, चौसठ चौक दो सौ छप्पन, तो ये किसका है, फोर की पावर फोर, तो आर कितना आ गया, क्लियर है। कह रहे जो नंबर इंसर्ट किए थे ना वो बताओ क्या है, तो ये ए वन सेकेंड टर्म है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये सेकेंड टर्म है, तो क्या सेकेंड नंबर ए आर लिखेंगे, ए कितना है वन, आर कितना है फोर, तो ये कितना हो गया फोर, थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर लिखेंगे 16, ऐसे ऐसे कर देना, क्लियर है बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा है। चलिए अच्छा एग्जाम्पल 18 देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल बचा है इसका, प्यार से देखेंगे। एक चीज़ और देख लो इसमें यार, अभी आर की पावर 4 256 था, यस और नो, देखो जरा, तो भैया पावर क्या इवन है ना, तो भैया मैथ्स में जब भी इवन पावर हटती है तो प्लस माइनस भी आता है, तो इसका अंदर 4 आएगा प्लस माइनस, तो एक बार आर की वैल्यू क्या होगी, प्लस 4 रखो, एक बार आर की वैल्यू माइनस 4 रखो, ठीक है, थोड़े नॉलेज के लिए सही भी था ये, मैथमेटिकली एकदम ठीक है, अदरवाइज जो अभी हमने किया था ना मैथमेटिकली रॉन्ग है वो, क्योंकि आर के दो आंसर आएंगे ना प्लस और माइनस, क्योंकि रेशियो तो माइनस में भी हो सकता है कॉमन रेशियो, ठीक है ना, तो जी कर लेना ये मतलब। अच्छा अब एक चीज़ देखते हैं यार, लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 18 अच्छा है, कह रहे हैं कि इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी 10 and 8, फाइंड द नंबर। अच्छा दो नंबर हैं जिनका अर्थमेटिक मीन, मतलब ए प्लस बी बाई टू, यही तो होता था अर्थमेटिक मीन, ये 10 दिया गया है और ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी कितना दिया गया, 8, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, क्लास 8th का क्वेश्चन है। तो चलिए अच्छा ए प्लस बी इक्वल्स टू 20 स्क्वायर कर दो इधर, तो ए बी इक्वल्स टू 16, क्लियर है। एक बात सुनो यार, या तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल के पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब 11th क्लास में तो थोड़े अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। अब एक बात सुनो यार, ए प्लस बी है, कैसे भी जुगाड़ करके ए माइनस बी आ जाए, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, तो अब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला हमने पढ़ा 11th क्लास में आए तो अच्छे से बताएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है, और एक फार्मूला होता है, मैं दोनों ही लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, मैंने एक ही लिख दिया, क्या कर रहा हूँ यार, ठीक है, तो ये फार्मूले आप याद रखेंगे। तो चलिए अच्छा ए प्लस बी कितना है, तो 400 और माइनस 256 ये कितना आएगा 100, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट 12 आ जाएगा, a माइनस बी हमारे पास आ गया, a प्लस बी हमारे पास आ गया, क्लियर है। तो एक बार प्लस ले लो, a प्लस बी हमारे पास 20 है और a माइनस बी हमारे पास 12 है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2a = 32, a बराबर कितना आ गया 16, a की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, b कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब चेक करके देखो, 16 में 4 ऐड करो भैया 20 आ रहा है, और 16 चौक 64, एक बार माइनस करके देख लेना यहाँ पे, ठीक है, एक बार 12 की जगह हम क्या लेंगे माइनस, इन्होंने माइनस लिया होगा, हाँ बिल्कुल लिया होगा, इसीलिए दो दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से सारे एग्जाम्पल भाई ख़त्म, एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़्यादा हैं, थोड़ा 3-4 पार्ट में बनाएंगे, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है।